सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब बढ़ने लगी हैं। भावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रख रहे हैं और चुनावी वादे दोहरा रहे हैं। नगर के इस संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के फैजुल्लाहगंज के वार्ड संख्या 1 के बसंतपुर में पहुंची, जहाँ स्थानियों से वार्ड में पिछले 5 सालों में हुए कार्यों का जायजा लिया। भारत चुनावों का देश है। यहाँ हर साल देश के किसी न किसी कोने में चुनाव होते ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियाँ अब तेज हो गई हैं। प्रत्याशी जनता के बीच जाके अपने चुनावी वादे को दोहरा रहे हैं और अपने जनाधार को और भी मजबूती से रख रहे हैं। नगर के इस संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम आज फजुल्लागंज के वार्ड प्रथम के बसंत विहार कॉलोनी में है। इस कॉलोनी की समस्या, विकास, सारी चीज़ों पर बात करेंगी इस कॉलोनी की, यहाँ की लोकल जनता से। आप बताइए कि यहाँ पे कूड़ा उठाने की व्यवस्था कैसी है? नगर निगम से कोई आता है कूड़ा उठाने के लिए, साफ सफाई व्यवस्था यहाँ पे कैसी है? एक दिन छोड़ के आते हैं। पूरी कॉलोनी के जितने भी कूड़े करते हैं सब लेके जाते हैं? जाते हैं। ये बताइए कि डेंगू जो है पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, लखनऊ की हालत भी खराब है, तो यहाँ डेंगू के लिए लार्वा एंटी लार्वा का छिड़काव या फॉगिंग वगैरह मशीनें आती हैं? डेंगू घर घर में है, घर घर में डेंगू का इलाज, कुछ नहीं आता यहाँ। आप बताइए कि लोग आते हैं यहाँ पे छिड़काव करने के लिए डेंगू से बचाव के लिए? कोई आता ही नहीं। आप लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ के जो पार्षद हैं उनके समझ भी रखी होंगी, उनका क्या रुख है? देख के चले जाते हैं पार्षद लोग यहाँ से गलियों को, बस कहेंगे कि हो जाएगा ये सारा काम, लेकिन नहीं आता। आप बताइए कि इन लोगों ने जो बातें कही यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था की, जो बातें कही यहाँ पे छिड़काव नहीं हो रहा है, डेंगू इतना फैला हुआ है, इनकी बातों कितनी सच्चाई है? बताइए। सब कटिया लगा है कि जल देख लो कितना फैला है, ना कोई यहाँ लाइट है रोड पर, जिससे कहो सभासद से कहो किसी से कहो कहते हाँ हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई काम नहीं होता। कूड़ा वाले तीसरे दिन आते हैं, झाड़ू लगाने कभी आते नहीं, देख कितना गंदा पड़ा। आप बताइए भाई, जैसे कि इन तमाम महिलाओं ने अपनी बातें रखी यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था जो है, और ये देखो आपको कोई बताना है ही नहीं, मतलब तीसरे दिन आते हैं, कभी कभी ये गाड़ी जैसे वो नहीं है, मतलब छिड़काव उड़काव करने के लिए कहते हैं नाला टूटे कहाँ जा पाएंगे, ये है, और साइकिल वाले कभी आते नहीं छिड़काव करने, और आप तो देख ही नहीं, मतलब रोड से बाहर बाहर निकल जाते हैं, अंदर अंदर निकल गए, जाने वाला है नहीं, निकल जाते हैं, यहाँ अंदर नहीं आते। आप लोग के कहने के बावजूद लोग अंदर नहीं आते? नहीं। क्या कहते हैं जब आप कहते हैं कि अंदर आके छिड़काव कीजिए? तो कह रहे हैं ये गड्ढा है, इसी वजह से कह रहे हैं गाड़ी को मोड़ने में। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ पे एक गड्ढा है जो यहाँ की जनता की समस्या बना हुआ है काफी दिनों से, इसको दिखाया जाए किस तरीके से ये गड्ढा है और काफी दिनों से ये समस्या बनी है। कितने दिन से गड्ढा? बहुत दिन हो गए, 2-3 साल हो गए, अभी गड्ढे बना, गड्ढे हो रहे हैं, 7 खंभे अपने साथ में, एक भी ना, कई बार सभासद से कहीं आए भी नहीं है, ना खंभा ना लाइट, सारी नालियाँ पड़ी बजा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो कहीं ना गाड़ी आना वाली, ना कहीं ना खुद, ना कहते कहते परेशान हो गए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ की नालियों को दिखाया जाए किस तरह की यहाँ की नालियों में गंदगी है, दिखवा दिया, जल जमाव है, कचरा भरा हुआ है, मक्खियाँ जो है इसमें भिनभिना रही है, पूरी नालियाँ जो है बदबू कर रही है नालियाँ यहाँ की। ये फजुल्लागंज का वार्ड प्रथम है, बसंत विहार कॉलोनी लगती है, और पीछे की भी नालियाँ मैं कहूँगा अपनी सहयोगी से दिखाएं कि किस तरह से इन नालियों में कचरा जमा हुआ है, और जल जमाव की व्यवस्था हो गई है कि यहाँ पे पानी निकलने तक भी मुश्किल हो गया है। मैं कहूँगा अपनी सहयोगी से कवर किया जाए किस तरह से नालियों में जो है वो जल जमाव है, कचरा लगा हुआ है, और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिनको यहाँ के लोगों ने चुना है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं अपने कार्यों के लिए। सत्ता का सुख उनके मिल जाने के बाद से वो अपने जनता की सुध लेना बंद कर दे रहे हैं।
ये बताइए कि ये पूरा प्रदेश जो डेंगू से ग्रसित है, राजधानी लखनऊ की डेंगू से काफी ज्यादा ग्रसित है, काफी ज्यादा संख्या मरीज मिले हैं हर वार्ड में, तो यहाँ डेंगू की क्या स्थिति है, क्या यहाँ पे छिड़काव वगैरह हो रहा है? कोई छिड़काव नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है और खुद ही हम लोग खुद ही डेंगू से परेशान है। यहाँ मोहल्ले में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में जो है डेंगू ना हुआ हो, ठीक है, कोई सफाई कर्मी नहीं, मतलब कोई नाली वाली देखिए आप जो है ऐसे पड़ा है सब पूरा। आप भी डेंगू से पीड़ित? बिल्कुल, हम खुद ही हम पूरा चार दिन एडमिट रहे हैं हॉस्पिटल में, अभी जो है हम आए हैं 3 तारीख को एडमिट होके डिस्चार्ज होके। यानी डेंगू के छिड़काव के लिए पार्षद जो है बात नहीं सुन रहे आप लोग? कोई सुनवाई नहीं, अब कौन कौन जाए कहने, मतलब कोई आता ही नहीं इधर देखने के लिए। यहाँ की जो महिला पार्षद है जी, उनके पति आते हैं कभी यहाँ देखने के लिए? नहीं, इधर नहीं आए कभी, कभी आए नहीं ना। एक लाइट जो है हम खुद ही उन्हीं से जाके लेके आए थे, तो ये लाइट एक लगी थी, नहीं तो कोई लाइट नहीं था, अपने आप लगवाई थी हमने। यानी इस पूरे मोहल्ले में आप खुद ही देख लीजिए, एक लाइट केवल लगी है ये इस लाइन में, मतलब इसी गली में पता नहीं क्या दिक्कत है कि जो है कोई आता ही नहीं है। इस तरह से जब प्राइम टीवी की टीम नगर के संग्राम की कवरेज के लिए फजूलागंज के वार्ड प्रथम में बसंत विहार कॉलोनी में आती है, यहाँ के लोगों से बातचीत करती है, तो उन्होंने प्राइम टीवी से बातचीत में अपनी सारी समस्याएं को बताया और ये भी बताया कि पार्षद जो है उनकी सुनते नहीं है, बस वो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन काम धरातल स्तर पर कभी होता नहीं दिखता है। यहाँ की महिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं, सत्ता का सुख इन लोग को इस तरह से हावी हो जा रहा है कि जहाँ से वो जीते हैं, जिनके वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी अब नहीं सुनते हैं। यहाँ के लोगों ने अपने समस्या में बताया कि ये पूरा मोहल्ला डेंगू से ग्रसित रहा है, लोग अस्पतालों में काफ़ी खर्चा करके ठीक होके आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो यहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव है और ना ही फॉगिंग की समुचित व्यवस्था है। वहीं नगर निगम की टीम 3 दिन में एक बार कूड़े उठाने आती है और चुनिंदे लोगों के घरों से कूड़े उठाकर चली जाती है। नालियाँ किस तरह से जल जमाव से रहित हैं, पूरी नाली जल जमाव से ग्रसित है, वहाँ से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, नालियों में कचरा फंसा हुआ है, नालियाँ सारी बजबजाती हुई हैं। ऐसे में यहाँ की जनता किस तरह से जीवन यापन कर रही है इन गंदगी के साथ, ये बहुत दयनीय स्थिति इस जनता की दर्शाता है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विवेक साई, प्राइम टीवी लखनऊ। नगर संग्राम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।